हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को देखकर आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बगैर समय वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको अपना जो अनुक्रमांक होता है, जो रोल नंबर होता है, उसे फिलअप करना होता है। उसके बाद नाम को, आपको आपका जो भी नाम है उसे फिलअप करना होता है। इसके बाद इस पेपर का या कुछ कोडिंग है, उसके बाद देखेंगे तो सन 2019 का यह क्वेश्चन पेपर है, अर्थात प्रीवियस ईयर का। और सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश का यह पेपर है। समय की बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट का यह क्वेश्चन पेपर है। टोटल पूर्णांक की बात करें तो 100 नंबर का यह आपका क्वेश्चन पेपर होता है। और निर्देश कुछ दिया गया तो निर्देश दिया गया कि 15 मिनट जो आपको दिए जाते हैं, केवल आपको यह प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं अलग से। और यही सेम नोट आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इंट्रक्शन है, तो इसे ध्यान से माइंड कीजिएगा। देखिए, पहला इंट्रक्शन है, दिस पेपर इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन ए एंड बी। कह रहा है कि यह पेपर 2 सेक्शनों में विभाजित है, ए और बी में। और कह रहा है बोथ सेक्शंस आर कंपलसरी, दोनों ही आपके जो सेक्शन है वह आपको अनिवार्य हैं, आपको करना है। और दूसरा निर्देश यह है कि क्वेश्चन नंबर 11 हैज 3 पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसके 3 पार्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा। आपको केवल कह रहा है कि केवल एक ही पार्ट को आपको आंसर देना है, केवल एक ही पार्ट को आपको अटेम्प्ट करना है, यानी एक ही पार्ट का केवल आपको आंसर देना है, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 11 का है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का 3 पार्टों में से केवल एक पार्ट का ही आपको आंसर देना है। और तीसरा जो निर्देश है, करा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर यह है, तो जो आपका यह सेक्शन ए के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है वह देख सकते हैं क्या है, एक्सप्लेन विद रिफरेंस टू कॉन्टेस्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। तो कह रहा है कि नीचे आ रहा है गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ और प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है, यानी आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद प्रसंग लिखना है, यानी रेफरेंस लिखना है, उसके बाद कॉन्टेस्ट लिखना है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। तो इसमें आपको 2 पैसेज देखने को मिलेंगे, तो पहला ए है और यहाँ पर देखेंगे तो बी दूसरा है। तो इन दोनों में से जो भी पैसेज आपको अच्छी तरह से आ रहा है, उसी को आपको रेफरेंस और कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना है। तो आप देख सकते हैं कौन सा पैसेज आया हुआ था। तो अगर आपको यह पैसेज नहीं आता है तो आप दूसरे पैसेज को ट्राई कर सकते हैं, अगर आप इसके बारे में पढ़े होंगे तो। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आता है। आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो सेक्शन नंबर ए के अंतर्गत आता है वह है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। कर रहे हैं जो नीचे प्रश्न आ रहे हैं उनमें से आपको किसी एक का उत्तर देना है, और वह उत्तर आपका लगभग 30 शब्द में होना चाहिए। लगभग 30 शब्द में, 30 सबसे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यह कहता है 30 सबसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 30 वर्ड्स के आसपास या उससे ऊपर भी आप लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं ए बी सी ऐसे करके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आपके प्रोज से हैं। तो तीनों में से केवल एक का ही आपको आंसर देना है। अगर आप इंग्लिश प्रोज की बुक को अच्छी तरह से स्टडी किए रहेंगे तो आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या करना होता है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स गिवेन विद इन द ब्रेकेज। तो कह रहा है कि जो ब्रेकेज में सबसे उपयुक्त वर्ड है आपको इन सेंटेंसेस के अंतर्गत फिलअप करना है। तो ये सेंटेंस पहले में देख सकते हैं रिक्त स्थान है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी दूसरे में है, तीसरे में भी है। तो जहाँ पर रिक्त स्थान है उस विकल्प की सहायता से आपको फिलअप करना है। तो अगर आप इंग्लिश प्रोज की बुक को अच्छी तरह से पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से इनमें फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी आपको बुक के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको बुक पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस को जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं सेक्शन ए के अंतर्गत। तो देखिए यह क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। कह रहा है किसी एक का उत्तर लगभग 75 शब्दों में दीजिए। तो इसके अंतर्गत ए बी करके 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कह रहा है ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोर्सिया, पोर्सिया का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर आप दूसरे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है, व्हाई डिड साइलॉक हेट एंटोनिया, व्हाई डिड साइलॉक हेट एंटोनिया, साइलॉक एंटोनियो से नफरत क्यों करता था। तो मैंने पोर्सिया का चरित्रण का एक वीडियो बनाया हुआ है अपने दूसरे चैनल नॉलेज बीम प्लस पर, तो वहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन सेक्शन 1 के अंतर्गत क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच, यानी कह रहा है कि किसी किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और आपके उत्तर 30 शब्द से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, या फिर 30 शब्द लगभग 30 शब्दों में होने चाहिए।
तो ए बी सी करके इस तरह से तीन आपको क्वेश्चन मिलते हैं, केवल दो क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है और आपका उत्तर लगभग 30 शब्द में होना चाहिए। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक्सप्लेन विद रिफरेंस टू कॉन्टेस्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। तो कह रहा है नीचे जो आपको स्टेंजा दिए गए हैं उनमें से किसी एक का आपको रिफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना है। तो पहला दूसरा इनमें से कोई भी अगर आपको आ रहा है तो आपको किसी एक का रिफरेंस और कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना है। तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। कह रहा है कि जो नीचे आ रहे पोएम हैं उनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो सेंट्रल आइडिया आप इनमें से कोई किसी का भी लिख सकते हैं। अगर आपको सेंट्रल आइडिया नहीं पता कैसे लिखा जाता है तो हमारे वेबसाइट जो है, हम लोग का जो नॉलेज बीम का वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप इनका सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, वहाँ से याद भी कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन ए के अंतर्गत जो 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है राइट द डिफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विद टू एग्जाम्पल। तो कह रहा है किसी एक फिगर ऑफ स्पीच का आपको परिभाषा देते हुए दो एग्जाम्पल लिखना है। तो मैंने ऑलरेडी फिगर ऑफ स्पीच पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो अब देखिए यह सेक्शन ए के अंतर्गत 8 क्वेश्चन पूछे गए। अब देखते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के अंतर्गत ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो सेक्शन बी में जो 9वां क्वेश्चन है, देखिए तो ए में आपको क्या करना है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। यानी आपको यह डायरेक्ट नरेशन दिए हुए हैं, दो ठो दिए गए हैं, उनमें से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टिव विद इन द ब्रैकेट। यानी कह रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट में जैसा निर्देश दिया गया है आपको किसी एक को उसी के अनुसार कंबाइन करना है। तो देखिए पहला जो है वह कह रहा है कि सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कीजिए, और दूसरा कह रहा है कि आपको कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन करना है। तो किसी एक को आपको कंबाइन करना है और आंसर के रूप में लिखना है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो सिंथेसिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो तीसरा क्वेश्चन आता है वह है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट में जैसा निर्देश दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस का रूप परिवर्तन कीजिए। देखिए डू इट एट वंस, इसको पैसिव वाइज में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। अगर वह नहीं आ रहा है तो आप दूसरे को कर सकते हैं, किसी एक को ही करना है और इससे आपको सुपरलेटिव डिग्री में इस सेंटेंस को चेंज करना है। तो यह आपका देख सकते हैं, यह आपका पॉजिटिव डिग्री में है, इसको सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगर आप नहीं जानते तो मेरे वीडियो को वॉच की लीजिए, इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। यानी इंटरमीडिएट के जितने भी ग्रामर के टॉपिक है सब पर मैंने वीडियो बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत जो डी वाला क्वेश्चन है वह सिंटेक्स से आता है करेक्शन करने के लिए। करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी नीचे आपको 4 सेंटेंस दिए गए, इनमें से केवल 2 ही सेंटेंस को आपको सही करके अपने आंसर अपने यानी कि आपको अपनी आंसर पुस्तिका पर लिखना है। तो इनमें से केवल 2 को ही सही करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन सेक्शन बी के अंतर्गत जो 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आइडिया एंड फ्रेजेज इन योर सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट दियर मीनिंग्स क्लियरली। तो नीचे आप देख सकते हैं आइडिया एंड फ्रेज है, यानी लोकतिया और मुहावरे हैं, और इनमें से किन्हीं 3 का आपको वाक्य प्रयोग करना है ताकि इनकी मीनिंग आपको क्लियर हो जाए। यानी कि आपको मीनिंग क्लियर करने के लिए इनका वाक्य प्रयोग करना है, केवल 3 का। तो इन सब के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ठो हैं, केवल आपको 3 का ही 5 ठो है सॉरी 5 ठो आपको देखने को मिल जाएंगे आइडिया एंड फ्रेज, और केवल 3 का ही आपको वाक्य में प्रयोग करके इनका मीनिंग क्लियर कर देना है, ठीक है। इसके बाद नहीं अगर पता है तो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ, आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत जो दूसरा क्वेश्चन है, राइट एंटोनम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं और इनका आपको एंटोनम्स लिखना है। तो मैंने एंटोनम्स पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर का अगर आप आंसर चाह रहे हैं तो मैंने आंसर भी अपनी वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का जो सी है, इसमें आपको सिनोनिम्स लिखने के लिए कह रहा है। जो वर्ड्स नीचे आ रहे हैं, वर्दी, अपोलोजी, ड्यूरेबल, तो इनका आपको सिनोनिम्स लिखना है। बहुत ही ज़्यादा नंबर के हैं, तो इन्हें भी अगर आप सिनोनिम्स के बारे में भी वीडियो चाहते हैं तो मैंने सिनोनिम्स पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस पेपर का ही मैंने आंसर दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत जो डी वाला क्वेश्चन आता है वह सब्सटीट्यूट वन वर्ड, यानी कि कई शब्दों के लिए एक शब्द से आता है। तो इनमें किसी एक का आपको आंसर देना है, 3 ठो आपको देखने को मिल जाएगा।
तो इनमें से केवल एक का आपको आंसर लिखना है। तो इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन पेपर शो कर दे रहा हूँ केवल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत जो ई वाला क्वेश्चन है वह कह रहा है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स, तो यह होमोफोन से हैं, तो होमोफोन्स पर भी मैंने आप वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। होमोफोन्स हैं, इनकी इनका वाक्य में इस तरह से प्रयोग कीजिए कि इनके जो जो इनकी अर्थ में डिफरेंस है वह क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर नहीं पता तो मेरे वीडियो को वॉच कर लीजिए, आप आसानी से समझ जाएंगे। इसके बाद काफ़ी यहाँ पर गर्मी है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 11 में निर्देश दिया गया था कि इसमें तीन पार्ट हैं, पार्ट वन, पार्ट टू और यहाँ पार्ट थर्ड। तो आपको बता दें केवल क्वेश्चन नंबर 11 का एक ही पार्ट करना है, तो आपको आपको यही पहला ही पार्ट करना होता है। याद रखिए तीन पार्ट कहा है करने, तीन पार्ट में से केवल एक पार्ट को करने के लिए कहा गया है, आपको निर्देश दिया गया है, लेकिन आप पहला ही पार्ट करेंगे जिसमें कि आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो इस ट्रांसलेट का भी मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके लिए आपको नॉलेज बीम प्लस यूट्यूब पे चैनल पे जाना पड़ेगा, जो कि मेरा ही चैनल है, ओके। तो वहाँ पर मेरी जो सिस्टर वह भी वर्क करती है, तो आप इसका आंसर वहाँ पा सकते हैं। तो केवल एक ही पार्ट आपको करना है और वह भी पहला ही पार्ट करना है, ये चीज़ माइंड रखें। तीन पार्ट दिया गया है तो इनको आपको नहीं करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कह रहा है आपको किसी एक टॉपिक पर एसे लिखना है, निबंध लिखना है, और अगर किस तरह से एसे लिखा जाता है नहीं जानते हैं तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वॉच करके आसानी से समझ सकते हैं। तो किसी एक टॉपिक पर आपको एसे लिखना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पाँच आपको ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन पर आपको लिखना है, तो 200 वर्ड में लगभग लिखना है। तो किसी एक टॉपिक पर 200 वर्ड में आपको एसे यानी निबंध लिखना होता है। इसके बाद देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है कह रहा है कि आपको नीचे एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को आप देख सकते हैं, इस पैसेज को आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, इसको कई बार पढ़िए, इसका अर्थ फाइंड आउट कीजिए, और इसके बाद जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं इन्हीं को आपको इन्हीं का आपको उत्तर इस पैसेज के माध्यम से लिखना है। तो इस पैसेज को आप एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से, वीडियो को प्यूज करके आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद ये नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी का आपको आंसर देना होता है। तो यह इस तरह से यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यह था 2019 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए था। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आया होगा काफ़ी अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आप फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या हिंदी का पेपर चाहते हैं 12 के या फिर कक्षा 10 के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का चाहते हैं, तो हमारा जो सेकंड चैनल है नॉलेज बीम प्लस, वहाँ पर जाकर उन सभी पेपर को भी देख सकते हैं, और जो इंग्लिश के ग्रामर के जो इंग्लिश लर्न करने वाली वीडियोस आएंगे उसी चैनल पे आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से काफ़ी पसीना भी देखे होंगे, तो मेरे पेपर पर गिर चुका है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी क्वेश्चन पेपर के माध्यम से देख सके किस तरह का क्वेश्चंस क्लास 12 के इंग्लिश पेपर में पूछे जाते हैं, ओके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।